हेलो एवरीवन, वेलकम टू धारी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। धारी इंजीनियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो 2400 स्क्वायर फीट में क्या आपको खर्च आएगा, आप अभी प्लान कर रहे हैं या नेक्स्ट मंथ प्लान कर रहे हैं, तो आपको 2400 स्क्वायर फीट में क्या खर्च आने वाला है, तो इस वीडियो में अवेलेबल है विथ फिनिशिंग के साथ। फिनिशिंग के साथ आपको क्या खर्च आएगा वो भी करेंट मार्केट रेट से, अभी का जो रेट है जो जुलाई और अगस्त का, उसके हिसाब से आपको क्या खर्च आएगा। तो आप अप्रॉक्स 8 से 9 मिनट का ये वीडियो होगा, तो आप पूरा कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर 2400 स्क्वायर फीट या इसके आसपास भी कोई आपका एरिया है तो आपको अप्रॉक्स एक एस्टिमेशन मिल जाएगा आपको क्या खर्चा आएगा आपको। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बताऊँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे 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 आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो एरिया है वो 2400 स्क्वायर फीट का है, क्या खर्चा आएगा। ठीक है, 40x60 प्लॉट एरिया है, बिल्टअप एरिया भी सेम है 40x60 इन 2400 स्क्वायर फीट। टोटल फ्लोर यहाँ पे ग्राउंड प्लस वन का बताना, वही यानी 2 फ्लोर का, 2 तले का आप क्या बना रहे हैं, क्या खर्चा आएगा। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ग्राउंड फ्लोर का आ रहा है 1143 रुपये पर स्क्वायर फीट, और ये जो कि अभी करंट रेट से बढ़ गया है काफ़ी रेट, अभी करंट में बिल्डिंग मटेरियल का रेट काफ़ी हाई हो गया है। और उसी तरीके फर्स्ट फ्लोर पे आ रहा है आपको 774 यानी 774 रुपये आपको पर स्क्वायर फीट खर्च आ रहा है। ये टोटल कॉस्ट आ रहा है स्ट्रक्चर कॉस्ट का, सिर्फ ये फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग का है 46 लाख, आपको 46 लाख अप्रॉक्स आपको खर्च आएगा। टोटल स्ट्रक्चर कॉस्ट है, ग्राउंड प्लस वन में आपको 46 लाख रुपये खर्च आएगा 2400 स्क्वायर फीट में। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में आते हैं तो ठीक है, तो क्लियर देख लेते हैं आगे क्या है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर रेट है यहाँ पे 230 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको लेगा ग्राउंड फ्लोर पे, जो कि कॉन्ट्रैक्टर आपको कॉलम बीम फाउंडेशन ये सब ब्रिक वर्क करके आपको देगा, इतना स्ट्रक्चर का 230 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको ग्राउंड फ्लोर पर लेगा और 140 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेगा। देखिए टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ रहा है, देखिए 46 लाख आपको आ रहा है स्ट्रक्चर कॉस्ट, यानी स्ट्रक्चर बनाने में आपको 46 लाख रुपये खर्च आ सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, ये 5 से 10% अप्रॉक्स आपको 46 लाख लग जाएगा ग्राउंड प्लस में 2400 स्क्वायर फीट में फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनवाते हैं तो। और देखिए फिनिशिंग करने में आपको 28 लाख रुपये लग जाएगा, अब फुल फिनिशिंग करवाते हैं तो ग्राउंड प्लस वन का 2400 एरिया का, तो आपको 28 से 29 लाख रुपये आपको खर्च आएगा, ये प्लास्टर वॉल पुट्टी सब होते हुए, ब्रिक वर्क ये प्लास्टर वॉल पुट्टी और जितना भी फिनिशिंग काम होता है, फ्लोरिंग ये सब सारा लेकर आपको 28 से 29 लाख रुपये खर्च आएगा फिनिशिंग पे। और ये वेरी करेगा आप किस पे, आप किस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, किस टाइप का फिनिशिंग करवा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा, बाकी ये एक ओवरऑल कॉस्ट है ये। और देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे 74 लाख रुपये आपको खर्च आएगा ग्राउंड प्लस वन में 2400 स्क्वायर फीट में, आपको 74 से 75 लाख रुपये खर्च आएगा। तो चलिए देखते हैं ग्राउंड फ्लोर पे क्या खर्च आएगा और फर्स्ट पे क्या खर्च आएगा। ये देखिए एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर का यहाँ पे दिखाया गया है, ये सीमेंट बैग 960 बैग आपको लगेगा ग्राउंड फ्लोर पे, जो कि एरिया के हिसाब से आपको 960 बैग लगेगा सीमेंट बैग, 50 kg बैग आपको ग्राउंड फ्लोर पे 410 रुपये करेंट मार्केट रेट है अभी का जुलाई 2021 का, तो 3,93,000 का आपको सीमेंट बैग लग जाएगा, जो कि 14% अप्रॉक्स है। देखिए सैंड यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली हो गया, अभी 80 रुपये स्पेशली बिहार में 80 रुपये पर CFT मिल रहा है, 80 से भी ऊपर चला गया है, तो 7200 आपको CFT ये लगेगा, यानी 5,76,000 का आपको सैंड लग जाएगा 21%। बाकी ये रेट पे डिपेंड करता है, अभी का यहाँ करेंट रेट चल रहा है 80 रुपये स्पेशली बिहार में, और आपके तरफ क्या रेट है इन चीज़ें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या रेट है आपके तरफ सीमेंट है, क्या आपका सैंड है, स्टील है, सारे का रेट बताइएगा। यहाँ पे देखिए स्टील यहाँ पे आपको लगेगा 10,800 किलो, यानी 10 टन से 11 टन आपको स्टील लग जाएगा, ये जो कि केजी में है 62 रुपये पर केजी है, तो 6,69,000 का आपको स्टील लग जाएगा, यानी 24 से 25% आपको स्टील पर खर्च आएगा। उसी तरह ग्रेवल पे आप 4800 CFT खर्च ये लगेगा, 75 रुपये पर CFT है, तो 3,60,000 का आपको ग्राउंड फ्लोर पे ग्रेवल लग जाएगा, जो एक गिट्टी है 13% अप्रॉक्स खर्च आएगा। ब्रिक पे यहाँ पे देखिए 24,000 खर्च आएगा, 8 रुपये पर ब्रिक है, तो 1,92,000 का आपको ब्रिक पे खर्च आएगा, 2 लाख रुपये अप्रॉक्स आ सकता है ब्रिक पे। टोटल 21 लाख आपको खर्च आएगा ग्राउंड फ्लोर पे, टोटल मटेरियल कॉस्ट 21 से 22 लाख, और लेबर कॉस्ट आएगा 5,52,000, जो कि कॉन्ट्रैक्टर रेट है, तो आपको टोटल कॉस्ट आ गया 27,43,200 रुपये अप्रॉक्स है, प्लस माइनस हो सकता है 10% तक। 27 लाख आपको ग्राउंड फ्लोर पे खर्च आएगा 2400 स्क्वायर फीट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे क्या खर्च आएगा,
रेट सेम है जो ग्राउंड फ्लोर पे था। तो यहाँ पे 720 बैग आपको ये सीमेंट लगेगा, यानी 2,95,000 का सीमेंट लग जाएगा। सैंड यहाँ 7,280 लगेगा, यानी 5,76,000 का वो सैंड लग जाएगा। स्टील यहाँ पे 6 टन लगेगा आपको, तो 62 रुपये पर के जी है, तो 3,72,000 का आपको ये स्टील लग जाएगा। इसी तरह ग्रेवल यहाँ पे 1,680 है, तो 75 रुपये रेट है, तो 1,26,000 का आपको ग्रेवल लग जाएगा। उसी तरह ब्रिक यहाँ पे 19,000 आपको ब्रिक लगेगा, 19,200 अप्रॉक्स 20,000 तक लगेगा आपको ब्रिक, यानी 8 रुपये पर ब्रिक है, तो 1,53,000 का ब्रिक लगेगा। ये वेडी करेगा ब्रिक आप क्या प्लानिंग है आपका, उस पर आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ये फर्स्ट फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर पे आप पूरे हॉल रखते हैं तो आपको कम ईंटें ब्रिक लगेंगे, बाकी आपको फ्लैट रहेगा तो आपको ज़्यादा लग सकता है। यानी टोटल मटेरियल कॉस्ट आएगा 15,22,800 रुपये अप्रॉक्स है ये, और लेबर कॉस्ट आएगा 3,36,000 जो कि कॉन्ट्रैक्टर रेट है। यानी टोटल आपको फर्स्ट फ्लोर पे आ गया 18,58,000 रुपये खर्च आएगा टोटल फर्स्ट पे। एंड टोटल ग्राउंड प्लस वन पे आपको 46,00,000 रुपये खर्च आएगा 2,400 स्क्वायर फीट में करंट मार्केट रेट से, अभी का रेट जो रेट चल रहा है। बाकी ये अगर रेट डाउन होता है तो आपको कम लगेगा, बाकी ये करंट रेट से आपको 46,00,000 रुपये आपको लगेगा। ये ग्राउंड प्लस में स्ट्रक्चर कॉस्ट है, ये फिनिशिंग पे अलग लगेगा। देखिए ये ग्राउंड फ्लोर का था, ये क्वांटिटी यहाँ पे, यहाँ रेट है, और ये टोटल अमाउंट है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको अप्रॉक्स लगेगा ये, ठीक है। और ये फर्स्ट फ्लोर का था, यहाँ क्वांटिटी देखिए 720 बैग सीमेंट लगा था फर्स्ट फ्लोर पे, 410 रेट है सेम, तो यहाँ पे टोटल आ गया आपको 18,00,000 रुपये फर्स्ट पे, यानी टोटल 46,00,000 रुपये आपको खर्च आएगा ग्राउंड प्लस वन में। ये फ्रेम रेस्ट्रक्चर बिल्डिंग का बात कर रहा हूँ, रोड बेनिंग का नहीं। एक बार और देख लेते हैं क्या था आज का, यानी कि 40x60 है। इसके आसपास भी कोई आपका प्लॉट है 2300 से लेके आपको 2500 तक अप्रॉक्स आपको ये लग सकता है। देखिए ग्राउंड प्लस वन में आपको ग्राउंड फ्लोर पे आपको 1,141 रुपये आपको, यानी 1,150 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको खर्च आ रहा है। ओनली स्ट्रक्चर कॉस्ट है, ये प्लिंथ नहीं है इसमें, प्लिंथ इसमें अलग से लगेगा। अगर आपका चार पाँच फीट प्लिंथ है तो उसका अलग से आपको लगेगा। और यहाँ देखिए फर्स्ट फ्लोर पे आपको 774 रुपये पर स्क्वायर फीट खर्च आ रहा है टोटल, यानी 46,00,000 अप्रॉक्स आपको खर्च आ रहा है। 230 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको कॉन्ट्रैक्टर लेगा ग्राउंड फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे आपको 140 रुपये पर स्क्वायर फीट लेगा। तो टोटल कॉस्ट आ गया आपको देखिए 46,00,000 स्ट्रक्चर कॉस्ट, फिनिशिंग पे आ गया 28,90,000। ये बताऊँगा कैसा है अप्रॉक्स, ये वेरी करेगा बाकी आप किस टाइप का फिनिशिंग करवा रहे हैं उस पर। उसी तरह 74,092,000 आपको 74 से 75,00,000 रुपये आपको लग जाएगा 2,400 स्क्वायर फीट में ग्राउंड प्लस वन में। बाकी ये वेरी करेगा आप किस पे किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं फिनिशिंग में और किस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। बाकी ओवरऑल कॉस्ट है ये, चलिए देख लेते हैं एक बार फिनिशिंग में क्या खर्च आएगा। देखिए ग्राउंड फ्लोर का था ये, और ये था फर्स्ट फ्लोर का, और ये फिनिशिंग कॉस्ट है अप्रॉक्स है ये। बाकी आपको डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का फिनिशिंग करवा रहे हैं उस पर। देखिए प्लास्टर वॉल पुट्टी पे आपको 9,00,000 रुपये खर्च आएगा, जो कि 20% अप्रॉक्स आपको खर्च आता है प्लास्टर वॉल पुट्टी पे। पेंट यहाँ पे 5% खर्च आएगा 2,30,000। आप किस कंपनी का पेंट यूज कर रहे हैं इस पर वेडी करेगा ये। आप हाई क्वालिटी का प्रिंट यूज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ये लग सकता है, ये एक एवरेज है। टाइल्स पे भी सेम बात है, आप किस कंपनी का यूज कर रहे हैं, बाकी कजरिया है ये सब टाइल्स का आप यूज कर रहे हैं तो ये ज़्यादा हो सकता है। और विंडो पे 1,38,000 अप्रॉक्स है ये, और डोर पे भी 1,56,000। प्लम्बिंग पे आपको 2,53,000 का है, क्या प्लम्बिंग आपका ड्राइंग है उस पर डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिकल पे आपको 3,00,000 अप्रॉक्स आएगा खर्च, इस पर भी डिपेंड करता है आप किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं, वायर यूज कर रहे हैं, बाकी सॉकेट ये सब यूज कर रहे हैं, पाइप ये सब यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ये ब्रांडेड क्वालिटी का भी यूज करते हैं तो ये वेरी कर सकता है, मतलब प्लस माइनस हो सकता है। और सेंट्री पे आपको 1,28,000 अप्रॉक्स 2,00,000 रुपये आपको खर्च आएगा, यानी 28,00,000 आपको फिनिशिंग करते हुए, फुल फिनिशिंग करते हुए आपको ग्राउंड प्लस वन में खर्च आ जाएगा। वो टाइल्स मार्बल सब लगाते हुए आपको अप्रॉक्स 28,00,000 खर्च आ जाएगा, यानी टोटल आपको यहाँ पे ये देखिए फिनिशिंग के साथ आपको 74,00,000 आपको खर्च आएगा। तो वीडियो कैसा लगा जो दे कमेंट बॉक्स में, और आपको कौन सा एस्टिमेशन चाहिए, किस एरिया का चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कमेंट बॉक्स करके, हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और आपके तरफ क्या रेट चल रहा है, इसका रेट क्या चल रहा है तो नीचे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट बार इसमें पुट करके आपको एस्टिमेशन का वीडियो अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।